दोस्तों, माइकल फराडे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े बहुत सारे इन्वेंशन किए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बने। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों, वह एक बुक बाइंडिंग की शॉप को चलाते थे, जो भी बुक बाइंडिंग के लिए आती वैसे पढ़ डालते, और ऐसा करते करते वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बन गए। और बिजली की दुनिया में उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए, उन्हीं में से एक इन्वेंशन है इलेक्ट्रिक मोटर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।